माई डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है CDP तैयार कर रहे थे, तो हमने साइकोलॉजी के बारे में जाना था, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना था, और रिसेंटली अब हमने जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया है। सो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि पेपर में जो है इजीली हम सॉल्व कर सकें। चैप्टर करवा के साथ ही में क्वेश्चन किए जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। सो एक क्वेश्चन जो है पहला मैं लेके आई हूँ, जो PSCET 2015 में भी आया था। तो वो पहला क्वेश्चन क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज, मीन्स कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। सबसे पहला, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना, बच्चे को जानना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना और उस अकॉर्डिंग उसके नीड्स को जानना। सेकंड है टू मेंटेन गुड डिसिप्लिन इन द क्लास, टीचर ने क्या करना है, पहले तो डिसिप्लिन होगा तभी वो टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगी, ठीक है। टू मेंटेन गुड डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इन्जॉयबल, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से सीखें, टीचिंग और लर्निंग क्या हो सके, इन्जॉयबल हो सके। फिर है टू असाइन स्टूडेंट्स गुड होम असाइनमेंट्स एंड चेक दैम प्रॉपरली, कि बच्चों को जो है असाइनमेंट्स दी जा सकें, ताकि बच्चे जो हैं वो सीख सकें और देखा जाए कि वो कितना सीखे हैं और प्रॉपरली वो सीख भी सकें। सो अगर हम इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें, तो वो है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्जॉयबल, ठीक है। टीचर ने करने ये सारे ही काम हैं, ऑप्शंस जो हैं कई बार दो तीन सही दी होती हैं, लेकिन हमने कौन सी चूज़ करनी होती हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब आप देखो कि टीचर ने गुड डिसिप्लिन भी जो है वो भी लाना ही लाना है, साइकोलॉजिकल नीड्स को भी समझना ही है, ठीक है, असाइनमेंट्स भी देनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है टीचर के लिए, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो डल और बोरिंग ना लगे, वो क्या लगे, इन्जॉयबल लगे, ठीक है। तो मेन चैलेंज जो है टीचर के लिए ये होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी PSCET का ही है, आगे CTET के भी आएंगे, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करेक्ट नहीं है। जैसे मैंने पहले बताए थे, जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव होती है। लेकिन हमने क्या देखना है, नॉट करेक्ट, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं और क्या करते हैं कि उसमें करेक्ट जो दिया है उसको मार्क कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से जो है देखना है कि नोट तो नहीं लिखा हुआ कहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वैसा आंसर देना होगा। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ जब फिजिकली ग्रो करता है बच्चा, डेवलपमेंट क्या है, जब वो मेंटली भी करता है, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है। सो पहला इसमें दिया हुआ है कि ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ जो है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है ना, तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, कि बच्चे को जो है ये आ गया, उसका IQ लेवल इतना बढ़ गया, उसकी वोकैबुलरी इतनी बढ़ गई, तो वो क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। सेकंड की अगर हम बात करें, ग्रोथ इन्वॉल्व्स चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नॉट फंक्शन, ग्रोथ क्या होता है कि स्ट्रक्चर में चेंज करती है, फंक्शन में नहीं, ठीक है। ग्रोथ क्या है, स्ट्रक्चर में चेंज करेगी, वो कैसे, जैसे हम कहते हैं कि हाइट बढ़ रही है बच्चे की, बच्चा जो है इस एज का बच्चा जो है वो उसकी इतनी हाइट तक पहुंच जाती है नॉर्मली, है ना, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। थर्ड है फिजिकल ग्रोथ स्लोज डाउन आफ्टर एडोलेसेंट एज, आप देखो कि हम कहते हैं कि 18-19 या 20 ईयर्स के बाद जो है वो कम होने शुरू, हाइट जो है जितनी है उतनी रह जाती है, कम तो नहीं होती, जितनी है उतनी रह जाती है, मतलब कि ग्रोथ जो है वो कम उतनी नहीं होती जितनी पहले हो रही होती है। सो फिजिकल ग्रोथ जो है एक स्टेज पे आके, एडोलेसेंट पीरियड पे आके क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और जो लास्ट वन है वो है डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अब आपने देखा कि ऊपर वाले भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये कई बार हम जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और हम कभी कई बार नोट नहीं देखते, डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, कौन सा करेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता ही जाता है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो एक स्टेज पे रुक जाएगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो रुकेगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, नॉट वाला क्वेश्चन। अब फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू विच चेंजेस, ठीक है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, साइज़ में तो अभी हमने देखा कि ग्रोथ में होते हैं, सीक्वेंस तो नहीं होता, वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होते हैं, मींस कि बच्चा जो है वो सीखता है,
कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आगे से आगे जो है वो उसको बहुत कुछ अपनी सोसाइटी से, अपने टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से जानने को मिलता है। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उससे वो क्या सीखता है, वैल्यू सीखता है, ठीक है, वैल्यू सिस्टम सीखता है हमारी सोसाइटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिटीज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन कोड। ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जो सारी क्वालिटीज़ जाते हैं, हम कहते हैं ना ये तो अपने मम्मा की तरह कर रहा है या ये जो है अपने पापा की तरह कर रहा है। ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो है हेरिडिटी चलती रहती है, ठीक है। तो आंसर मैंने पहले ही बता दिया, इसका आंसर क्या आएगा, चेंजेस हेरिडिटी जीन्स और माइंड कंडीशन में से हेरिडिटी, क्योंकि पेरेंट्स टू चिल्ड्रन तक जो जाती है वो क्या होती है, हमारी हेरिडिटी, ठीक है। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर कल को क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि ग्रोथ जो है वो अफेक्ट करती है हमारी हेरिडिटी या एनवायरनमेंट को या डेवलपमेंट, तो जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अफेक्टेड होते हैं किससे, हमारी जो हमें एनवायरनमेंट मिल रहा है या जो जो हमारी हेरिडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ZPD, ठीक है। ZPD क्या होता है, ये सबसे पहले आपको वेगोत्स्की के बारे में थोड़ा जानना होगा। वेगोत्स्की जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ZPD दी है। अब ZPD है क्या, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने पहले ही याद कर लेना है ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये है क्या कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए एक जोन बनाई गई है उसमें, ठीक है। जैसे ये एरिया एक बीच में जो है वो स्कैफोल्डिंग है, बच्चे को जब भी ये सारा जो है उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सारे जो हम देख रहे हैं जो बीच वाला सर्कल है वो स्कैफोल्डिंग है, और जो उसके सर्कल के बीच वाला वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो कैसे है कि बच्चे को जब ज़रूरत होगी किसी चीज़ को समझने की, किसी क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, तो टीचर जो है उतना ही उसे बताएगी, तो वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चे की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। जैसे आपने पूछा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो टीचर ने आपको पूरा सम नहीं करके देना, उसने क्या करना, उसने वो आपको फॉर्मूला बता देना, तो वही क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट के लिए जो हमें जोन, मतलब कि हमें जो है अपने बड़ों से जो क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट नहीं, हेल्प मिलती है, तो वो जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो क्या है ये, जब हेल्प मिलती है हमारे बड़ों से, हम लेते हैं अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने किसी से भी जो है ले सकते हैं, जो नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो भी बोला जाता है इसमें, कि जो जिसको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है उससे जब हम सीखते हैं वो क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड। अब दो तरह के मेथड होते हैं, एक होते हैं इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जो है उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल जाया जाता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड उसमें जो है जनरल टू स्पेसिफिक जाया जाता है। कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें सेम जैसे कि इसमें ऑप्शन ही हुए थे बोथ ए एंड बी, ऐसा नहीं होता। अगर डिडक्टिव मेथड है तो वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा या वो जनरल टू पर्टिकुलर जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक की जगह यहाँ पे पर्टिकुलर भी आ सकता है। सो इसी तरीके से अगर इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड में हम पहले स्पेसिफिक चीज़ को जानेंगे और फिर जनरल जो है जनरल चीज़ को जानेंगे, ठीक है। और डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में हम पहले जनरल चीज़ को जानते हैं फिर स्पेसिफिक जो है रिजल्ट तक पहुंचते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ली दो कोई एग्जांपल ली हैं, सबसे पहले कि ऑल बैट्स आर मेड ऑफ वुड, ठीक है, वुड आर मेड फ्रॉम, हम ले सकते हैं ट्रीज, है ना, तो वुड और क्या कहते हैं ट्रीज़ तो सेम हो गए, तो हम कह सकते हैं बैट्स आर मेड ऑफ ट्री, है ना। तो हम एक कंक्लूजन में पहुंच गए कुछ जर्नल से, प्रिंसिपल से, तो वो क्या होता है, डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड में क्या है, हम पहले किसी स्पेसिफिक चीज़ को जानेंगे, जैसे कि हम जानेंगे कि जो बैट्स हैं वो ट्रीज से बनते हैं, फिर आगे जो है उल्टा प्रोसीजर चलता है इंडक्टिव का डिडक्टिव से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आज हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आते ही रहते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस। और अगर आपको किसी जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए कोई भी कंसेप्ट की, तो आप जो है बता सकते हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ मोर एंड मोर। थैंक यू।